दोस्तों ये सेमसो कंपनी की एक वेट मशीन है, विंग मशीन है। और दोस्तों इसमें क्या है कि हम जैसे कि प्रेस वगैरह करते हैं तो कुछ नहीं आता, लेकिन छोड़ने के बाद कभी कभी डिस्प्ले आ जाती है दोस्तों, कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। हम प्रेस कर रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अचानक इसमें डिस्प्ले आ जाती है, अपना आप ही आ जाती है, अपना आप ही चली जाती है, और नंबरिंग अपना आप चलने भी लग जाती है। इसमें खैर नहीं आ रहे, लेकिन आती है दोस्तों। इसके अंदर प्रेस करने के बाद हमने देखा था तो इसमें एक दो बार आ जाती है डिस्प्ले। तो चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल है, कैम कैस रिपेयरिंग यानी कैम कैस फाइंड सोल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिस मिलता रहे। चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करते हैं। और दोस्तों इसको यहाँ से दोस्तों इसमें दो सेल लगते हैं, नॉर्मल सेल लगते हैं, ट्रिपल ए वाले से, ट्रिपल ए साइज की। तो दोस्तों इनको तो हम हटा लेंगे, ये हटाने के। और अब दोस्तों इसको खोलते हैं। खोलने के लिए दोस्तों इसके अंदर कोई हमें पेंच वगैरह तो दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इस तरह का एक ब्लेड लेंगे, ये हमें ये लॉक खोलने पड़ेंगे इस तरह हटा के, ये यहाँ से। ये इस तरह के यहाँ पे कुछ लॉक होंगे दोस्तों, जैसे यहाँ लॉक होंगे, यहाँ लॉक होंगे, तो ये दो तो हट गए। अब दोस्तों ऐसे ही यहाँ पे होंगे, ये वेट सेल के यहीं यहीं लोग होंगे, यहाँ और यहाँ और यहाँ। तो ये दोस्तों एक इस तरह का कोई ब्लेड लेके ये यहाँ से हटा लें, और ये दोस्तों ये हटा लिया। अब दोस्तों यहाँ भी कोई, यहाँ भी लोग है, इसको भी आप लोग हटाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा प्यार से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये प्लास्टिक है, टूटने का भी डर हो जाता है कई बार। तो दोस्तों ये हमने यहाँ से पेच कर देके इसको हटा लिया, और यहाँ पे साइड डबल टेप लग रही है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बीच का हिस्सा चिपका हुआ था, क्योंकि लोग तो दोस्तों यहाँ चारों पे लगे हुए थे। लोग ये चारों पे थे और दोस्तों यहाँ पे डबल टेप थी। इसको हटाने के लिए आपको कोई सा इसमें से एक वेट सेल हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम ये वाला यहाँ से वेट सेल निकाल देते हैं, ये वेट सेल निकाल लिया, और दोस्तों ऐसे ही हम इधर वाला वेट सेल निकाल लेंगे, ये वाला यहाँ से लॉक है, इसको हाथ से करें ये आ गया। तो हमें ये दो खोलने की ज़रूरत नहीं है वेट सेलों की, तो हम इसी इसको यहीं से रिपेयर कर देंगे। पहले तो आप ये सेल के देख लें, सेल पत्ती पे कोई जंग वगैरह तो नहीं है दोस्तों। दोस्तों एक पत्ती पे इस पर जंग तो है काफ़ी, लेकिन खुरचा हुआ है, वैसे तो साफ करी हुई है। फिर भी आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं पत्ती। दोस्तों सेल की पत्ती पे थोड़ा सा जंग है, आप इसको भी साफ कर लें थोड़ा थोड़ा सा, वैसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक पत्ती थोड़ी सी हो रही है ज़्यादा जंग। दोस्तों डिस्प्ले तो आई है सेल लगाने से 0-0, हो सकता है वो पत्ती का नहीं हो फॉल्ट, लेकिन फिर भी हम देखते हैं एक बार जाने के बाद 0। और दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है ये बहुत गंदी हो रही है, ये देखिए इस पर आप ये कपड़े से साफ कर लो, बहुत धूल है इसके अंदर, ये धूल की वजह से भी आधी ये डिस्प्ले चमकने में दिक्कत हो जाती है। इस पर थोड़ा सा पानी की दो चार बूंद डाल के इसके डिस्प्ले के शीशे को साफ कर सकते हो, शीशा काफ़ी गंदा हो रहा, लेकिन सूखा हो कपड़ा, हल्का सा गीला हो लेकिन सूखा हो, ये आपकी जो डिस्प्ले है ये थोड़ी अच्छी साफ हो जाएगी ऊपर से, ये काफ़ी गंदी हो रही है वैसे कपड़े से साफ नहीं हो रही। तो ये हल्का गीला हमने कपड़ा कर लिया था, इसमें पानी नहीं था दोस्तों, तो ये बिल्कुल शीशा बिल्कुल साफ हो चुका।
तो दोस्तों ये हमने इसका साफ कर लिया। एक बार हम इसको वेट सेल दबा के चारों देखते हैं एक बार कि डिस्प्ले आती नहीं आती। दोस्तों आती तो है डिस्प्ले, जैसे ही हमने चारों वेट सेल दबाए डिस्प्ले आती है। तो हो सकता है दोस्तों ये जो सेल पत्ती है यहाँ पे इसका जंग का फॉल्ट हो, तो ये पत्ती हमें एक बार निकाल के इसको चेंज करके देख लेते हैं। ये हमने तार हटा लिया प्लस वाला और यहाँ से एक पत्ती में थोड़ा सा जंग है, शायद हो सकता वो भी हो। ये पत्ती है ये दोस्तों पूरी जंग लगी पड़ी है, तो हो सकता है इसके भी फॉल्ट हो, कभी कनेक्ट होती हो कभी नहीं होती हो। तो दोस्तों एक बार इसे भी बदल लेते हैं और फिर इसकी डिस्प्ले भी खोल कर साफ करेंगे। हो सकता है कि इससे कभी कभी आती थी कभी नहीं आती थी। तो दोस्तों ये हमने इसी की जगह ये जो थी यहाँ पे ये पत्ती पूरी गल सी चुकी है, तो हम यहाँ से ये इसके लिए लगाएंगे, तो ये प्लस पॉइंट के लिए। तो दोस्तों ये हमने इसमें स्प्रिंग यहाँ पे ये लगा लिए और ये प्लस वाली थी और ये माइनस वाली, और इसके अब हम यहाँ पे कनेक्शन करने पड़ेंगे। दोस्तों ये है, इसको हम यहाँ साइड में मोड़ देंगे जिससे कि ये पीछे को सरके नहीं, और जितनी एक्स्ट्रा होगी उतनी हम बाद में काट भी देंगे, अगर नहीं भी काटेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये थोड़ी सी काट ही देते हैं। तो दोस्तों ये जब काटें तो आँख पे चश्मा वगैरह कुछ हो, कई बार ये उछल जाती है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ से ये इसको कर दिया और यहाँ पे अब टांका मार देते हैं, और इसको सोल्डिंग करने के बाद दोस्तों इसको चेक करेंगे प्रॉपर, क्या पता यही फॉल्ट हो सकता है। कई बार ये होता है कि ये डिस्प्ले के अंदर ये जो हमारा ये मदरबोर्ड है इसका, इसमें भी फॉल्ट हो जाता है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तभी पता लगेगा, पहले इससे देख लेते हैं, अगर इससे हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसका मदरबोर्ड यहाँ से खोला जाएगा। तो दोस्तों ये हमने टांगा लगा लिया, पर दोस्तों इसको हम बंद करके देखते हैं, अगर ये हमारा सक्सेस रहा तो ठीक है, नहीं तो हम इसको। तो दोस्तों ये वेट सेल लगा ले हैं, अब इसका ये वाला जो वेट सेल है, ये जो तार है यहाँ पे तार का कट बना हुआ है दोस्तों, तो इधर ही रखें तार को, अब इसको भी लगाएं। ये हमने लगा लिया दोस्तों, ये लगाने के बाद अब ये तार इसके अंदर ही आने चाहिए, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये डबल टेप है, ये आपको दोबारा लगानी पड़ेगी, यहाँ डबल टेप लगी हुई थी, ये शायद हमारी छुटाने पे बेकार होगी, हम इसको चलो बाद में लगा लेंगे। यहाँ पे एक डबल टेप, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, तार आप सारे अंदर कर लें, जो भी तार यहाँ दिखाई दें पेचकस से। दोस्तों इस मशीन में एक ही वो है कमी कि इसको खोलने के बाद इसके लॉक लगाने बड़ी दिक्कत हो जाती, ये थोड़ी सी हो गई आवाज़ आ गई। ये हमें एलपी वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा लॉक। तो दोस्तों एक बार हम सेल लगा के देखते हैं, बाद में यहाँ इसको डबल टेप वगैरह से चिपकाएंगे, क्योंकि ये एक बार छुटाने के बाद इसके लॉक ढीले हो जाते हैं, इसमें पेच वगैरह नहीं होता ना, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है। तो दोस्तों ये डिस्प्ले तो आ चुकी है, और एक बार हम इसको डिस्प्ले जाने के बाद एक बार प्रेशर डालेंगे फिर बाद में कि हमारा ये ऑन होता नहीं होता। हाँ दोस्तों हल्का सा हिलाने के बाद अब तो है, एक बार हम इसका वेट और चेक कर लेते हैं इसमें से, अभी भी दिक्कत है, जैसे कि हम इसमें वजन तोलने के लिए इस पर खड़े होते हैं तो इस पे एकदम से लिखा जाता है लो, तो इसका मतलब ये अभी भी ठीक नहीं है। एक तो दोस्तों इसके जो लोक हैं बड़े बेकार हैं,
दोस्तों इसका मतलब ये स्प्रिंग का फॉल्ट नहीं था, स्प्रिंग में जंग तो लग रहा था लेकिन कभी कभी सोल्डरिंग आती है। तो दोस्तों अब हम इसकी ये पीसीबी खोल लेंगे। पीसीबी खोल के इसके हो सकता है कई बार डिस्प्ले में भी रहता है दिक्कत, जिसकी वजह से यहाँ पे दो पेज दे रखे हैं, दोनों पेज खोलिए। दोस्तों ये हमने मदरबोर्ड खोल लिया और मदरबोर्ड को थोड़ा सा ये साफ कर लो, कई बार क्या होता है इसमें डस्ट भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से ये जो प्रिंट है सारे डिस्प्ले पे टच होते हैं, ये जो पॉइंट है सारे डिस्प्ले पे टच होंगे, तो इसको आप किसी लिक्विड से साफ भी कर सकते हैं और ये पीछे से भी, ये इसको हम एक बार लिक्विड से साफ कर लेते हैं। लिक्विड आप कोई सा भी ले सकते हैं, आईपी थिनर कोई सा भी लेके उसको वाश कर सकते हैं, आईपी थिनर पेट्रोल किसी से भी। तो दोस्तों ये जो प्रिंट होते हैं डिस्प्ले पे टच होते हैं, तो हो सकता है कभी कभी कांटेक्ट नहीं हो पाता ढंग से तुरंत सप्लाई का, तब भी ऐसे हो जाता। तो अगर दोस्तों ये वाली आईसी ख़राब है तो नहीं होगा, क्योंकि पीसीबी में यही मेन आईसी है, इसमें सारे वेट सेल की मेमोरी सॉफ्टवेयर सब कुछ इसी में अपडेट रहता है। ये जो बटन है ये रीसेट का बटन है, जो आपका केजी वगैरह उसमें चेंज करने के लिए। अब एक बार हम इसकी जो डिस्प्ले इसको भी निकाल ही लेते हैं, ये जो डिस्प्ले इसको भी निकाल के हम अच्छे तरह साफ कर लेते हैं। और दोस्तों ये रबड़ भी निकाल के आप साफ करें, लेकिन रबड़ का तरीका ये है कि आप इतने पॉइंट में ही रबड़ निकालें और इतने पॉइंट में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतने हिस्से में ही टच होगी। तो चलो हम इसकी ये लगा लेते हैं डिस्प्ले, ये पीछे वाली तो वाइट वाली तो लाइट वाली है, और ये डिस्प्ले हम यहाँ इसको कर देते हैं, और ये हम रबड़ भी निकाल लेते हैं। ये रबड़ निकाल के हम इसको साफ करके लगाएंगे, क्योंकि इस रबड़ में कई बार दिक्कत हो जाती है। लेकिन रबड़ आप निकालें तो ये देख लें कि जिस जगह निकाली है उसी जगह लगानी पड़ेगी, क्योंकि टचिंग आपकी वहीं होगी, उतने हिस्से में होगी। ये समझ लो रबड़ ये वायर का काम करती है, इस पर टचिंग का, तो ये वायर का ये काम है। अब यहाँ पे ये टच होगी डिस्प्ले रबड़, और तब इसका जो सप्लाई वगैरह है नंबरिंग मेमोरी वगैरह तब जाएगी डिस्प्ले में। और दोस्तों अभी हम इसको सेट करके इसके दोनों पेज लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने इसके पेज लगा दिए। पेच उतने टाइट करें जितने आपको आराम से टाइट हो जाए, नहीं तो फ्री हो जाएंगे। एक बार हम इसका सेल लगा के देखते हैं। तो दोस्तों डिस्प्ले तो हमारी आई एफ सेम। अब इसको एक बार हम बंद करके देखते हैं, क्योंकि हमने वास तो कर लिया से, वास करने के बाद इसको अब बंद करके देखते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा आप कर नहीं सकते। जाकर डिस्प्ले नहीं आते डिस्प्ले की रबड़ बदल सकते हैं, अगर डिस्प्ले ख़राब है तो आप डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, और ये अगर सर्किट ख़राब है तो सर्किट में आप कुछ नहीं कर सकते। जो तार वगैरह आपके टूट गए हैं वो जोड़ सकते हैं, लेकिन सर्किट में आप कुछ नहीं कर सकते। सर्किट में एक चाइना वाली मक्खी वाली आईसी लगी होती है, तो उसका चेंज वगैरह कुछ होता नहीं है। दोस्तों ये जो लोक हैं ये लोक अटकेंगे, तो इसमें एक आध लोक टूटा हुआ भी है, ये लोक तो जितने लोक ये देखो ये दोस्तों ये लोक फटा हुआ है, ये लोक इसमें लगना था। तो चलो दोस्तों लगाते हैं इसको, जितने लग सकते लगते हैं, नहीं तो फिर इसमें कुछ
यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे डबल टेप भी लगा लेते हैं, इतने हिस्से में यहाँ लगी हुई थी, तो दोस्तों एक डबल टेप हम उतने हिस्से की काट के यहाँ लगा देते हैं। दोस्तों इसको बंद करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा तारों को हम टेपिंग कर देते हैं। दोस्तों ये जीरो आ चुका है, इसको हम प्रेस करते हैं तो दोस्तों ये अब बिल्कुल वेट सही बताने लग गया है। एक बार हम इसका वेट भी चेक, तो दोस्तों ये अब वेट बिल्कुल सही बताने लग गया है और ये देखिए अब डिस्प्ले इसमें चली जाती है। अब इसको थोड़ा सा चुपका लेंगे बाद में। ये देखिए ये जीरो जीरो आ चुकी है और जीरो जीरो आने के बाद हम इस पर प्रेसर डालते हैं। ये अभी ये जीरो आ गई, अब हम इस पर प्रेसर डालते हैं। तो दोस्तों ये देखो टेम्परेचर अपना अप डाउन होने लगे, ये हम दबाने से अब ये ओके हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपके पास इस कंपनी की या कोई सी भी कंपनी की हो विंग मशीन तो आप इसी तरह उसको रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस पॉइंट सॉल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपने मेरी पूरी वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और दोस्तों ये जो यहाँ तो हमने डबल टेप लगा लिया, तो यहाँ पर है ना आप थोड़ी सी इसको चिपकाने के लिए यहाँ लोक, ये जो लोक है यहाँ एक एल्फी डाल लेना इस तरह करके, तो चारों कोनों पर डाल लेंगे तो ये वाली चीज़ इस पर बीच वाले पर नहीं डालना कुछ भी, इसी कवर के यहाँ पर कोने पर, तो ये भी हो जाएगा पक्का क्योंकि पेच होते नहीं है।